एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो अभी सुबह के बजने वाले हैं 10 और फिर अभी जो है वो मौसम देख रहे होंगे आप कितनी धूप लगी है। दोपहर में बहुत ज़्यादा तेज़ धूप लगती है हमारे यहाँ पे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा आज का प्रोजेक्ट है क्या। जैसा कि आप लोगों को पता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हमारे यहाँ पे जैसे आजकल काम चला हुआ है, जैसे टाइल्स वगैरह भैया जो है वो फ्री हो गए हैं, तो फिर हमारा बाकी जो है वो काम हो रहा है। तो धीरे धीरे मतलब कि सारा काम हमारे को साथ साथ में साफ भी करते जाना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आज का हमारा, मेरा और मम्मी का मतलब कि प्रोजेक्ट क्या है। देखो, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ये जो ये पूरा पूरा गंद है ना, ये हमारे को साफ करना है आज। इतना सारा गंद है, ये हमारे को साफ करना है। और ये टाइल्स वगैरह को हमने एक जगह रखना है, ये हम रखेंगे नीचे। और ये सारे यहाँ पे हमें हमारे को साफ करना है। यार ये कुत्ता कहाँ पे, क्या हो रहा है, क्या हुआ इसको, क्या हुआ इसको, ये देखो ये छोटा सा कुत्ता, ये ऊपर को भाग रहा है। छोटा सा कुत्ता आया, वो ते तो पर ही गया। ओहो, ये किसका कुत्ता ये? अच्छा अच्छा अच्छा, अब जा रहा ये शायद छोटा सा कुत्ता को ले जा रहा होगा अपने घर। तो बेचारा वापस चला गया वो अपने घर जहां से इसको लेके आ रहे थे। छूट गया होगा इनके हाथ से और भाग गया बेचारा। चलो हम करते हैं अपना काम। क्या हुआ तेरे को, तू क्यों कर रहा है बहू? सबसे पहले तो मेरे को ये वाला काम, मम्मी का भी नेक्स्ट ऑर्डर, अभी नेक्स्ट ऑर्डर आया कि मेरे को ऊपर वाले फ्लोर पे जहाँ पे मतलब कि टाइल्स वाले भैया जो जहाँ पे रहते थे वहाँ पे मतलब मेरे को पोछा लगाना है। तो वहाँ पे मेरे को सबसे पहले पोछा लगाना है और उसको साफ करना है। और फिर उसके बाद मैं और मम्मी जो ये भी खिलारा हमने जो डाला हुआ है, ये हम लोगों ने साफ करना है। तो बने रहिए मेरे साथ। इस रूम में मेरे को पोछा लगाना है, पूरा डस्टिंग वगैरह करके फिर उसके बाद पोछा लगाना है। और दरवाजे में भी बोला मम्मी ने, दरवाजे में भी ये मैं दांतून कर रही हूँ। ये है कड़ी पत्ता की दांतून कर रही हूँ। तो चलो जी करते हैं सफाई शुरू। सो डस्टिंग हो गई है मेरी, दरवाजे पे भी कर ली है। और अलमीरा में चेयर्स वगैरह सब सारी धूल जो थी वो मैंने निकाल दी है जहाँ तक मैं देख पाई। और अब मैं लगा रही हूँ पोचा, मैं पोचा लगा लेती हूँ। उसके बाद नीचे जाएंगे, उस खिलाने को करेंगे, फिर ख़त्म कर देंगे, उसमें आग लगा लेंगे। फिर एक बार झाड़ू लग गया है, अब मेरे को दूसरी बार फिर से लगाना है क्योंकि सेटिस्फेक्शन सी नहीं हो रही है कुछ। तो दूसरी बार मैं फिर से फिर से पोछा लगाती हूँ। तो जी पोचा इज़ डन, सफाई इज़ डन, ऊपर वाला कमरा ठीक है। अब चलते हैं नीचे की तरफ। देखो यार कितना गंदा लगता है। हाय, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। फिर मम्मी ने बोला कि जो ये चीज़ है
ये हम बाद में करेंगे, पहले तू खाना बना ले। तो अभी मैं लंच बना लेती हूँ ना, उसके बाद फिर उसके बाद लंच करेंगे, उसके बाद हम इस काम को करेंगे। सो आज भी मैं बना रही हूँ कचालू। हम कचालू ज़्यादा इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये मतलब हमारे अपने लोकल होते हैं, ये हमारे अपने खेत में होते हैं। तो फिर जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, सभी काम वाले होते हैं, सभी को खाना बनाना होता है, तो फिर कचालू इज़ अ बेटर ऑप्शन। तो तभी हम कचालू बनाते हैं ज़्यादा, हर मतलब चौथे पांचवे दिन हमारे कचालू की सब्ज़ी होती ही होती है। तो अभी मैं इनको फटाफट से छील लेती हूँ और उसके बाद इसमें तड़का लगाना है, यार टाइम भी हो गया ज़्यादा। तो अभी हम सभी ने खाना खा लिया है और अभी फिर मैं आई हूँ बाहर। मम्मी को एक्चुअली ऊपर जाना पड़ा, जहाँ पे मतलब मेरे भैया की शादी है। मैंने आपको बताया था कि मेरे भैया की शादी है। अच्छा, अभी तो मेरे ताऊ जी के घर गए हैं मम्मी, वहाँ पे काम है। तो उनको फ़ोन किया था मेरे ताऊ जी ने कि ऊपर आना पड़ेगा, काम है। तो मेरे मम्मी वहाँ गए हैं, तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अकेले करती हूँ, जितना मुझसे हो सकेगा मैं वो उतना करूँगी। जो ये मतलब एक्स्ट्रा ये जो भी इसमें कागज़ वाले चीज़ें हैं वो मैं उठा देती हूँ, बाकी टाइल्स वगैरह मम्मी के साथ मैं बाद में उठाऊँगी। यहाँ पर लकड़ी वाले मिस्त्री काम करेंगे और यहाँ पे मैं सारा ये खलारा ठीक करूँगी जितना मेरे से हो सकता है। तो मैंने यहाँ का जितना भी था और यहाँ का जितना भी कूड़ा था वो मैंने घर के पीछे फेंक दिया है और उसमें बाद में आग लगाएंगे। सो अब सारा काम हो चुका है और मैं अभी अभी नहा के आई हूँ। उसके बाद मैंने पापा के लिए खाना बनाया था, तो क्योंकि लेट हो रहा था, पापा पहुँचने वाले थे, तो फिर मैंने सोचा कि मैं पहले खाना बनाती हूँ उसके बाद नहाती हूँ। और अभी मैं नहा के फ्री हुई हूँ और अभी मैं बना रही हूँ चाय, मतलब जो लकड़ी वाले मिस्त्री है ना अंकल, उनके लिए चाय बना रही हूँ। और चाय भी मेरी बनके रेडी हो गई है, तो मैं उनको चाय दे आती हूँ। सो यहाँ पे वो लोग काम कर रहे हैं अंदर, ये देखो हमारा टाइल्स वाला काम सारा कंप्लीट हो गया है, अभी बाकी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। औ अंकल जी चाय। तो अभी तो काम चल रहा है इतना सा, ओह सॉरी लगना है अभी। जब ये काम फिनिश हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी अच्छे से। तो बस मैं अपना व्लॉग की एंडिंग यहीं पे करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, क्योंकि उसके बाद फिर लंबा हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा व्लॉग। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।